हेलो एवरीवन आई एम विनोद वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड आज हम जनवरी मंथ मौन्त के मंथली करंट अफेयर्स सब डिस्कशन करेंगे 150 फिफ्टी इम्पोर्टेंट एम रहेगा इस सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर वन अटल टनल हुईच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन हुईच स्टेट अटल टनल टल जो अटल टनल है वो तो कौन से स्टेट में है हिमाचल प्रदेश में नंबर टू टूरिस्ट एरिया स्ट्रेटेजिक एरिया इन जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर किया गया है दो टूरिस्ट प्लेस को और दो टूरिस्ट प्लेस का नाम क्या है गुलमर्ग एंड सोनामर्ग नेक्स्ट द रामनाथ गोयंका अवार्ड हैव बीन प्रेजेंटेड एनुअली इन इंडिया फॉर एक्सलेंस इन व्च ऑफ द फॉलोइंग फील्ड रामनाथ गोयंका अवार्ड कौन से फील्ड में दिए जाते हैं जर्नलिज्म में नंबर फोर हुई द डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ स्टारलिंग इंडिया बिजनेस हु हेज़ अनाउंस हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है स्टार लिंक इंडिया बिजनेस के डायरेक्टर एंड चेयरमैन उनका नाम क्या है संजय भार्गवा ओके okay, संजय भार्गवा उनका नाम है नंबर फाइव हु विलीड इंडिया इन इन द आई सी सी ओमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया का कप्तान कौन रहेगा ये पूछ रहा है मिथाली राज ओके मिथाली राज सीमा भवानी सीमा भवानी इज द नेम ऑफ हुईज टीम ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ के सीमा भवानी जो नेम है वो कौन से टीम का है वोल ओमेन बाइकर टीम ओके अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे में डे में ये आए थे कि उनका टैलेंट शो किए राजपथ में आप सब देखे होंगे ओलोमेन बाइकोटिम इसको बोला है। seven, जाता है सीमा भवानी नंबर सेवन लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हुई ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया लोसार फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है कौन से स्टेट और यूटी में लद्दाख में ओके नंबर जीरो एट इंडिया फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम आज भी इनागुरेटेड इन हुई सिटी रॉक म्यूजियम रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है वो कौन सी सिटी में है हैदराबाद में ओके नेक्स्ट डियाडो आर सिलेक्टेड हुईज कंपनी फॉर हैंडलिंग ओवर द टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम के लिए डीआरडीओ ने किस कंपनी को सिलेक्ट किया हैस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ओके इसको सिलेक्ट किया है डीआरडीओ ने नंबर टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च कौशल रोजगार निगम कौशल रोजगार निगम कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हरियाणा के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर हैं उनके सीएम हरियाणा के इन्होंने लॉन्च किया है ओके okay. पीएम मोदी हैज इनोग्रेटेड सौरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौरा हुड्डू पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इनाग्रेट किया है कहां पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में 2080 करोड़ प्रोजेक्ट है ट्रिपल वन मेगावाट प्रोजेक्ट नंबर ट्वेल्व टाइटल डॉक्टर बी एल दत्त ग्लिम्स ऑफ पेनर्स ऑफ लाइफ जर्नी ये जो ये जो बुक का नाम ये बुक, ये बुक का ऑथर कौन है ये पूछ रहा है ये ये है ये बुक का अभी लॉन्च किया है जनवरी के महीने में नंबर थर्टीन इन हुई स्टेट द तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू होस्ट द तो खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम होगा मतलब होस्ट होगा होस्ट करेगा कौन सा स्टेट मध्य प्रदेश ओके 2022 और 23 में मध्य प्रदेश होस्ट करेगा नंबर 14 व्हिच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फास्ट डुअल मोड व्हीकल फास्ट डुअल मोड व्हीकल कौन सा देश इंट्रोड्यूस किया है जापान ने ऑब्वियसली जापान थोड़ा ये सेशन स्पीड अप चलेगा क्योंकि वन फिफ्टी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे कम्स टाइम में नंबर फिफ्टीन हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द डेपुटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किनको को अपॉइंट किया गया है विक्रम मिश्री विक्रम मिश्री जी को अपॉइंट किया गया है एज डेपुटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नंबर पी पीएम नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन हुई सिटी कौन से सिटी में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पीएम मोदी ने उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है मिराठ में ओके ये आपको याद रखना है नंबर हु बीन द सेवनटीन हुआ एमडी एंड सीईओ का पद किनको मतलब तो किनको मिला है रुको बैंक के एमडी एंड सीईओ सोमशंकर प्रसाद नंबर 918 खालिद हुसैन हाज ओन द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन व्हिच लैंग्वेज कैटेगरी कौन से लैंग्वेज कैटेगरी में खालिद हुसैन ने साहित्य एकेडमी अवार्ड जीते हैं अभी पंजाबी लैंग्वेज में ओके okay. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनिंगट इज द्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसका नाम क्या है नीट थ्री पॉइंट जीरो okay. ओके धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ने ये वर्ल्ड डे ऑफ ऑब्जर्व ऑन डेट कौन से डेट में वर्ल्ड डे ऑफान मनाया जाता है नंबर ट्वेंटी यूनियन आयुष मिनिस्टर है फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी फाउंडेशन स्टोन रखा कौन रखा यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी ने ओके okay, तो कहाँ पे रखा है ये फाउंडेशन स्टोन हैदराबाद इंडिया फर्स्ट मैच विल बी अगेंस्ट व्हिच नेशन इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया किसके साथ पहला मैच खेलेगा ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान के साथ ओके okay. पाकिस्तान के साथ खेलेगा हमारा टीम महिला के टीम मैच खेलेगा हमदोक अब्दुल हमदोक आज रिसेंटली रिजाइन आज पीएम ऑफ हुई कंट्री पीएम ऑफ हुई कंट्री रिजाइन कर दिया अभी अब्दुल हमदोक ने सुदान ये सुदान के पीएम थे अभी रिजाइन दिए हैं ये नेक्स्ट व्च इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव ए थ्री ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप थ्री ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप किसके कंपनी को अचीव हुआ है कौन से कंपनी ने अचीव किया है अपूल ने ओके द स्टेट हाथ दिक्लर इट्सेल्फ ए चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट इन द स्टेट चाइल्ड मैरेज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है कौन सा देश का सॉरी कौन सा राज्य का वो डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का ओके ओडिसाई डिस्ट्रिक्ट गंजाम ओडिशा डिस्ट्रिक्ट गंजाम ओके निकला राज चाइल्ड मैरेज फ्री डिस्ट्रिक्ट नेम आर दफ द ब्रांड अमासडर ऑफ इज माई ट्रिप इज माई ट्रिप इस ट्रिप के नए ब्रांड अवसर कौन बने हैं ये दोनों बने हैं विजय राज एंड वरुण शर्मा ओके ये दोनों बने हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट व्हिच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन वर्ल्डेस्ट लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कौन से देश ने स्टार्ट किया है अभी चाइना ने चाइना ने रोन स्टार्ट किया है शांघाई में ओके शांघाई में ये है नॉगेस मेट्रो लाइन विच कंट्री विल बी चेयरिंग द काउंटर टेररिज्म कमिटी इन जनवरी 2022 ट्वेंटी टू काउंटर काउंटर टेररिज्म कमिटी बनाया है मतलब जो है उसमें हेड कौन बनाया कौन सा देश हेड बनाया है इंडिया ने ओके सिक्योरिटी काउंसिल यू सिक्योरिटी काउंसिल सी में

फिमरिस्टलिस्ट सुनीली ये जो अजब टाइप का नाम है न्यूज इज ए न्यू प्लांट स्पेसिस न्यू प्लांट स्पेसिस है नया जाति का नया प्रजाति का है ये जो नया प्लांट है वो डिस्कवर फ्रॉम विस्ट प्लेस कहाँ पे डिस्कवर हुआ है ये पूछ रहा है वेस्टर्न घाट रीजन इन थिरुवनंतपुरम करला में करला में वेस्टर्न घाट में ये मिला है अभी डिस्कवर हुआ है इसका हुई स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज जो खुले में सोच करते हैं ना ओपन डिफेक्शन फ्री इसके बारे में बोला है फर्स्ट प्लेस में रहा है कौन सा स्टेट तेलंगाना मैंने मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री ओके खुले में सोच ज्यादा नहीं होता है वहां पे पूरा फ्री है वहां पे मतलब वो बाथरूम में जाते हैं इसलिए तेलंगाना को मिला है, है। फर्स्ट प्लेस स्माइल स्कीम इज टू तो बी इंप्लीमेंटेड बाय हुईज इंडियन मिनिस्ट्री स्माइल स्कीम कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अभी ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ सोशियल जस्टिस एंड एम्पायरमेंट ओके नंबर थर्टी थ्री अपॉइंटेड एट द हेड ऑफ ओएनजीसी के हेड अभी नए कौन बने हैं मेकिंग अभी पहला महिला है ये पहली महिला है जो अभी हेड बने हैं बनेसी के उनका नाम क्या है अलका मित्तल ओके अलका मित्तल उनका नाम है स्टेट हाई कोर्ट हैज बिकम द कंट्रीज फास्ट पेपरलेस कोर्ट फास्ट पेपरलेस कोर्ट मतलब डिजिटल डिजिटल कोर्ट बना है कौन सा हाई कोर्ट देश के पहला केरला अब केरला हाई पेपल, हाई कोर्ट केरला कोर्ट ने पहला पेपरलेस कोर्ट बना है अभी इंडिया सेंड कोविड नाइन्टीन वैक्सीन टू तो हुई कंट्री थ्रो ईरान ईरान होके इंडिया ने कोविड नाइन्टीन वैक्सीन भेजा है कौन से देश को कौन से देश को भेजा है अफगानिस्तान ओके अफगानिस्तान को भेजा है इंडिया ने भाया ईरान हुट द बीना पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट बीना एंड पांकी बिना कहाँ पे है एम पी में है पांकी यूपी में है वो कौन इनोरेट किया है नरेंद्र मोदी ओके नरेंद्र मोदी ने नवरट के हैं एक कंट्रोवर्सी ओवर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैच्यू इन व्हिच प्लेस क्रिस्टियन रोनाल्डो का जो स्टैच्यू था तो उसमें कंट्रोवर्सी आया था रिसेंटली ओके okay. तो इसलिए पूछ रहा है कि वो कौन से स्टेट में वो स्टैच्यू बनाया गया है अभी तो गोवा में ओके okay, गोवा में है अभी वो स्टैच्यू गोवा में बना है इसलिए वो कंट्रोवर्सी में रहे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फिरोजपुर ओके फिरोजपुर में पंजाब में रखा है फिरोजपुर पंजाब में है, है वहाँ पर रखा है फोर नाइन्टी करोड़ उसका कॉस्ट है क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो मोहम्मद हफीज कहाँ के हैं कौन तो कौन से देश से बिलोंग्स करते हैं ये पूछ रहा है पाकिस्तान से आपको पता होगा ये पाकिस्तान से ऑलराउंडर है अभी रिसेंटली ये रिटायरमेंट ले लिए हैं नेम दिनर ऑफ रेलिंग अवार्ड फॉर जर्नालिस्ट ऑफ द ईयर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेलिंग का अवार्ड किनको मिला है दानिश सिद्दीकी ओके okay. दानिश सिद्दी को मिला है हुज डे इज कॉमर्स आज वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली सॉरी अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेल डे ओके okay. वर्ल्ड ब्रेल डे कहाँ कहा कब मनाया जाता है जनवरी फोर जनवरी चार तारीख को यह मनाया जाता है न्यू न्यू के कौन बने हैं अभी रिसेंटली विनोय कुमार त्रिपाठी आपको ये याद रखना है विनोय कुमार त्रिपाठी ने चेयरमैन एंड सीओ बने हैं रेलवे बोर्ड के हुई देखिए टोटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में कौन सा इंस्टीट्यूट रैंक फर्स्ट हुआ है अभी आई आई टी मद्रास

एशिया एशिया कप कप कौन सा देश जीता अभी इंडिया ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से यूनिवर्सिटी में अभी इनावरेट किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओके वो रिसीव साहित्य अकेडमी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन जीता है नमिता गोखले नमिता गोखले को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बीन ऑनर्ड विथ बिहार विभूति सम्मान बिहार विभूति सम्मान किनको मिला है रोहित कुमार ओके okay? रोहित कुमार को मिला है सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके okay? और पीडीएफ के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए नॉलेज वर्ड आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा हर क्लास का पीडीएफ डी एफ यहाँ पर मिल जाएगा आप जरूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ओके okay, नेक्स्ट हम देखते हैं डिड द मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खदी फैब्रिक खदी फैब्रिक पुट ए ग्रांड पब्लिक डिस्प्ले पब्लिक डिस्प्ले किया गया है बड़ा सा फ्लैग मतलब नेशनल फ्लैग जो इंडिया के इंडिया का है ट्राई कलर फ्लैग कहाँ पे उसको पब्लिश किया गया है डिस्प्ले किया गया है जैसलमर ओके जैसलमर में इसको क्या गया आर्मी डैम में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में ये क्या गया है इन हुई स्टेट द एटीन कचाई लेमन फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड एटीन कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है सिर्फ मणिपुर में मणिपुर में यह मनाया जाता है ये बहुत बार पूछता है कचाई लेमन फेस्टिवल ओके बहुत इम्पोर्टेंट है मणिपुर वो हाजबीन अपने प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में किनको प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंड किया गया है रघुवेंद्रम जी को अपन किया गया है आसाम गवर्नमेंट आसाम आज डी एस पी है किन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को लवलीना ओके okay, yeah. ये ये मेडलिस्ट है ओलंपिक में नंबर फिफ्टी थ्री बैक द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड किनको दिया है उत्तर प्रदेश को ओके okay? उत्तर प्रदेश ने

साइंटिस्ट है न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड नाइनटीन दैट कंबाइंस बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन इन हुईज ने तो ये दोनों जो वेरियंट है दोनों मिला के एक वेरियंट मिला है तो कौन से देश के साइंटिस्ट ने ये डिटेक्ट किया है कि ऐसा वायरस है साइप्रस इस देश का नाम है साइप्रस ओकेज मार्क आज वर्ल्ड हिंदी डे ग्लोबली एवरी ईयर वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है जनवरी टेन ओके जनवरी दस में ये मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे द इंडियन रेलवे हाज रिनेम कबाड़िया रेलवे स्टेशन बाय हुई नेम ये कबाड़िया रेलवे स्टेशन नेम चेंज हो गया है कौन से नेम में ये हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन ओके okay. ये एकता नगर रेलवे स्टेशन ये गुजरात में है ये नाम केवाड़िया रेलवे स्टेशन नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च सुसाइड बॉम्बर आर्मी सुसाइड बॉम्बर आर्मी कौन सा देश ने या कौन सा संगठन ने लॉन्च किया है ऑब्वियसली तालिबान ओके ये ऐसा काम ये ही कर, कर सकते हैं ये भी करते हैं आईएसआई अलकायदा ये सब टेररिस्ट ग्रुप हैं सब तो तालिबान ने ये लॉन्च किया है सुसाइड बॉम्बर आर्मी ओके काटी लो हैज सीन इन द न्यूज इज प्रैक्टिस इन हुई स्टेट हुई इंडिया स्टेट और जो खूंट काटी लो है ये रिसेंटली न्यूज में था तो ये कौन से स्टेट का न्यूज है देखते हैं झारखंड का है ओके झारखंड का यहाँ पे देखिए ए वाज बिटेन बाय सम विलेजर फॉर अलीगली कटिंग ऑफ ट्री ऑफ ट्रीज इलीगली एंड सेलिंग देम तो मैन वाज बोर्न अलाइव इन फ्रंट ऑफ पुलिस मतलब उसको जला दिया थे वो इसलिए फॉर वायोलेटिंग द खुंटाटी लॉ प्रैक्टिस इन झारखंड यह भी रिसेंटली न्यूज में था ये या आपको याद रखना है कुछ देर कुछ देर आप रिलेटेड या कुछ रिलेटेड सोशल रिलेटेड वह आदमी ने अपनरा द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सांगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को को के न्यू सेक्रेटरी जनरल अभी कौन बने हैं झांगमिंग ओके झांगमिंग बना है न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ सांगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन व्हिच डे प्रवासी भारतीय दिवस जो एनआरआई डे भी बोला जाता है वो कौन से डे पे मनाया जाता है जनवरी नाइन ओके जनवरी नाइन को मनाया जाता है एनआर डे नॉन रेसिडेंशियल डे इंडियन डे भी मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी जनवरी नाइन में साउथ अफ्रीका से लौटे थे फॉलोइंग न्यू डिरेक्टर न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी डीजीपी ऑफ पंजाब न्यू डी जी ऑफ पंजाब किनको को अपन किया गया है वीरेश कुमार भौरा वीरेश कुमार भौरा जी को अपन किया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि अभी पीएम का डे दे, सिक्योरिटी डिस्प्रूट हुआ था अभी रिसेंटली सिक्योरिटी ब्रिज हुआ था वहाँ पे पंजाब में इसलिए डीजीपी को उन्होंने चेंज कर दिया अभी नया डीजीपी बने हैं वीरेश कुमार भौरा वो स्टेट गवर्नमेंट हाज अनाउंस एन इनक्रीज इन द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम 60 टू 62 इयर्स तो so, 60 से 62 कर दिया है कौन से गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का जो 60 एज था रिटायरमेंट एज वो चेंज होकर सिक्सटी टू हो गया है यह आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लागू किया है

द मेकिंग ऑफ द नाथराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया ये जो बुक है गांधी जी एसेसन द तो मेकिंग ऑफ नाथराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया ये जो बुक का ऑथर कौन है धीरेन्द्र झा धीरेन्द्र झा इसके ऑथर है वो जो द फॉलोइंग कंपनी गेट द गवर्नमेंट पासपोर्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के जो पासपोर्ट प्रोजेक्ट है कौन सी कंपनी को मिला है कितने है? यूएसडी वन बिलियन वन बिलियन यूएसडी डॉलर यूएस डॉलर जो बोला जाता है ये कौन सी कंपनी को मिला है टीसीएस कोसोनि okay. उसको मिला है जस्टिस आयसा मलिक हेज बिकम द फास्ट सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ हुई कंट्री पहले महिला पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं कौन से देश के पाकिस्तान के ओके okay. यह आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं पहली महिला इसलिए यह न्यूज में रहा है ये आपको याद रखना है हुज प्लेयर हैज वन द 2021 ट्वेंटी वन फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइड वर्ल्ड एफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप कौन सा प्लेयर ने जीता है नोद्रिबेक अब्दुल सतबो सतरो नवदीप बैक आब्दू सात्रो ये जीते हैं उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं ओके हुई डेट हैज बीन डिक्लेयर आज वीर बाल दिवस बाय पीएम मोदी वीर बाल दिवस वीर बाल दिवस कौन से डेट में डिक्लेयर किया गया है मतलब मनाया जाएगा कौन से डेट में ऑप्शन है डिसम्बर ट्वेंटी सिक्स डिसम्बर ट्वेंटी सिक्स पी एम मोदी वाइल एड्रेसिंग टू पब्लिक क्या बोले हैं वो ऑन द गुरु गोविंद जयंती जनवरी नाइन में ओके नौ जनवरी में गुरु गोविंद सिंह जयंती में वो डिक्लेयर किया है कि ट्वेंटी सिक्स डिसम्बर को हम क्या मनाएंगे वीर बाल दिवस बाल दिवस मनाएंगे हुज फिल्म ऑन द गोल्डन ग्लोबाडा গ্ল'ব গোল্ডেন গ্ল'বৰ গ্ল'বৰী পাৱাৰ অফ দ ऑथराइज्ड बायोग्राफी टाइटल रतन मतलब रतन टाटा के बायोग्राफी उसका नाम क्या है रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी उस बुक का नाम है तो उस बुक का ऑथर का नाम क्या है थोमास मैथ्यू ओके थॉमस मैथ्यू उनका नाम है थोमास मैथ्यू इन्होंने लिखा है रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी जे डब्ल्यू एस टी

ज खदी विलेज इंडस्ट्री कमीशन रिसेंटली लॉन्च इंडिया फास्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग अभियान खदी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया है भारत के पहले हनी प्रोसेसिंग अभियान कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है गजियाबाद में गजियाबाद में ये लॉन्च किया गया है हुई सिटी हेज बिकम इंडिया फर्स्ट सिटी टू है लेकिन ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाटर में ये मेट्रो का काम करेगा मुजरिस उसका नाम है तो कौन से सिटी में ये लॉन्च किया गया है कोची में क्य? मतलब केरला में केरला में पूछिए व्हिच मिनिस्ट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट विद टीसीएस फॉर द सेकंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वी रिसेंटली एक क्वेश्चन डिस्कस किया था टीसीएस को मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट तो कौन सा मिनिस्ट्री के साथ ये साइन हुआ है ये क्वेश्चन पूछ रहा है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर ओके ये मिनिस्ट्री के साथ टीसीएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम नंबर प्रोग्रामी सॉरी सेवेंटी सिक्स बिकम द विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी सिंगल टाइटल जीते हैं कहाँ पे मेलबर्न समर सेट मेलबर्न समर सेट में जीता है अभी रिसेंटली कौन जीता है राफेल न राफेल नाडल आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी राफेल नाडाल रिसेंटली जीते हैं ओके ये आपको याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट टू नेम ऑफ मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर सीडीएस जनरल बिपिन रावत मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर सीडीएस जनरल बिपिन रावत कौन सी स्टेट उत्तर प्रदेश ओके उत्तर प्रदेश

बाईस बने अभी पीएम मोदी 11 न्यू मेडिकल कॉलेज इलेवन नया मेडिकल कॉलेज इनावरेट किए कौन से स्टेट में तमिलनाडु में आपको या याद है तमिलनाडु में मोदी जी ने लॉन्च किया है इनावरेट किए हुए नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व इन इंडिया नेशनल यूथ डे कौन से दिन में मनाया जाता है ट्वेल्थ जनवरी बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन है इसलिए मनाया जाता है नेशनल यूथ डे ट्वेल्थ जनवरी इंटरनेशनल वन टूर्नामेंट इंटरनेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एडिलेड इंटरनेशनल वन टूर्नामेंट में कौन जीता है ओमेन सिंगल टाइटल महिला के कैटेगरी में सिंगल टाइटल में कौन जीता है गायल मोनफिल्स ये जीते हैं अभी हुई स्टेट हैज फिनिश फास्ट आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स स्टेट ट्वेंटी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द स्किल ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंडिया स्किल ट्वेंटी ट्वेंटी वन कॉन्टेस्ट में पहला स्थान कौन से स्टेट को मिला है ये आपको बताना है इंडिया स्किल्स 2021 ट्वेंटी में ओडिशा को ओके कितना मेडल 51 मेडल 10 गोल्ड 18 सिल्वर 19 ब्रॉन्ज अभी मिला है इन हुई स्टेट लासुंग नामसोंग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड ये जो लासुंग फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है मतलब रिसेंटली मनाया गया है सिक्किम में, में। तो फॉलोइंग कंट्री हाँ सेंड द तो मिलिटरी टू काजिकस्तान काजिकिस्तान मिलिट्री मतलब काजिस्तान को मिलिट्री सेंड किया है कौन सा देश रशिया आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के बीच में अभी चल रहा है नाटो के बीच में मतलब नाटो भी नाटो वर्सेस रशिया अभी चल रहा है रिसेंटली इसलिए ये काजिकिस्तान भेजा है रशिया ने उसके मिलिट्री रशिया भेजे रशिया काजिकिस्तान भेजा है ओके यूनेस्को एग्री टू पब्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन इट्स वेबसाइट इन हुई लैंग्वेज कौन कौन से लैंग्वेज में इंडिया के जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना तो कौन से लैंग्वेज में उनके वेबसाइट में वो दिखाएगा यूनेस्को हिंदी के हिंदी में ओके हिंदी लैंग्वेज में ये वर्ल्ड जो हिंदी डे है उस डे में ये यूनेस्को ने राजी हुआ था ये करने के लिए ओके okay. इंडिया के जो जितने भी चालीस वाले हेट्टे साइड है वो पूरा हिंदी लैंग्वेज में वहां पर डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा ओके okay. अभी रिसेंटली दिखाया गया हिंदी लैंग्वेज में एडिशन ऑफ डे लॉन्ग कचाई लेमन फेस्टिवल लॉन्ग कचाई लेमन फेस्टिवल कहां हुआ था मतलब कंप्लीट हो चुका है ओके okay. दो दिन के लिए लॉन्ग कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में ओके गया करते हैं नमन ये दो बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन क्रिस मोरी क्रिस मोरिस हु आज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट रिप्रेजेंट हुईज कंट्री वो कौन से देश से क्रिस मोरिस आपको पता है साउथ अफ्रीका से ओके इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है

अलीखान स्मलव आज भी न्यू पीएम ऑफ व्हिच कंट्री ये जो अलीखान स्मलव कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये पूछ रहा है काजिकिस्तान ओके काजिकिस्तान के नए पीएम बने हैं अलीखान स्मलव हु इज नेम एट हेड ऑफ फाइव मेंबर कमिटी फॉर्म बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रॉप द टू प्रॉफ द सिक्योरिटी ब्रिज ऑफ पी एम सिक्योरिटी इन पंजाब पी एम सिक्योरिटी ब्रिज हुआ था अभी रिसेंटली एस पी जी के कमांडो और डिफरेंट डिफरेंट पोलिटिकल इंफ्लुएंस रहा अभी रिसेंटली तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया है पाँच फाइव मेंबर का ओके और जो फाइव मेंबर का कमेटी बनाया गया है उसमें हेड कौन बना है इंदू मल्होत्रा इंदू मल्होत्रा ओके ये भी जज हैं ओके जज ऑफ हिंदू मल्होत्रा हेडेड बाय फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज हिंदू मल्होत्रा जी को ये फाइव मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया है हुज ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा जापान और एक सिंगापुर है ना जापान एंड सिंगापुर ये दोनों देश रैंक वन में रहे हैं और इंडिया कहाँ पे 83 है एटी थ्री परसेंट में ओके आज न्यू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ मतलब नए चेयरमैन इसरो के कौन बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ ओके okay. डॉक्टर एस सोमनाथ ये रॉकेट साइंटिस्ट है ओके okay. इनको बनाया गया है इसरो के नए चेयरमैन पहले कौन थे के सिवान थे अभी इनको बनाया गया है डॉक्टर एस सोमनाथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मैन स्पेस प्रोग्राम जो का मैन स्पेस प्रोग्राम अभी करेगा ना इसरो, इसरो के लॉन्च करेगा तो इसके लिए एक क्वालिफिकेशन टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन का किया गया है तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने किया है इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ये टेस्ट किया है रिसेंटली ये, ये, ये पूछ सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ सकता है अदानी ग्रुप इंक्स एमओयू विथ साउथ कोरियन लार्जेस्ट स्टील मेकर पोस्को ये जो पोस्को कंपनी है साउथ कोरियन के आदानी ग्रुप ने उसके साथ एक एमओयू साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है तो टू तो डेवलप स्टील मिल इन गैस मतलब कौन से स्टेट में स्टील मिल बनाने के लिए सान किया है एमओनी ग्रुप ने साउथ कोरियन के पोस्को कंपनी के साथ ये गुजरात में होगा ओके ये गुजरात में हुआ जब अपन राज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्स इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं रघुवंद्रम तनवार ये भी दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन ओके सॉरी टाइटल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का जो नए टाइटल स्पॉन्सर बनाया पहले क्या था भी वो था अभी कौन बना है टाटा ग्रुप ओके okay. टाटा ग्रुप ने अभी नया टाइटल स्पोंसर बना है राजनाथ सिंह हेज इनावरेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट हुईच प्लेस कल चंडीगढ़ में ओके चंडीगढ़ में ये लॉन्च किया गया है ये भी एक रिपीट हो गया है क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे भी पूछ सकता है कि कौन ये इनावरेट किए हैं राजनाथ सिंह ओके ये आपको याद रखना है घुमा के भी पूछ सकता है कौन लॉन्च किया है कहाँ पर लॉन्च किया गया है ओके नहीं तो किसके नाम पर लॉन्च किया गया है नहीं तो कल्पना चावला के बारे में पूछ देगा हाउ मच इज द इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया एज पर आईएस एज पर आईएस एफआर एफआर 2021 कंपेयर टू 2019 ये जो आईएसएफआर रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया है ये आपको बताना है टू टू सिक्स वन स्क्वायर किलोमीटर कितना बढ़ गया है टू टू सिक्स वन स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है ये आपको याद रखना है ओके वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए जरूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और पीडीएफ के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा

दस है तो दस में इंडिया के एक एक है तो एयरपोर्ट का नाम क्या है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओके चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप टेन लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दैट आंसर वन टाइम डिपार्चर वन टाइम डिपार्चर की कैटेगरी में चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है विराट कोहली हैज हाँ स्टेप डाउन आर द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया मैं क्रिकेट टीम इंडिया मेन्स क्रिकेट टीम का क्या कप्तान का पद वो छोड़ दिए हैं अभी यू आज इंडिया टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम मतलब को कितना टेस्ट कैप्टन है इंडिया क्रिकेट टीम के थर्टी टू ओके थर्टी टू अभी मतलब रोहित शर्मा थर्टी थ्री बने हैं टेस्ट कैप्टन हु रिलीज पोस्टल टैम टू पोस्टर स्टाम्प टू मार्क वन ईयर ऑफ कोविड वैक्सीन ड्राइव कोविड वैक्सीन का जो वन ईयर कम्प्लीट हुआ इसलिए एक पोस्टर स्टाम्प लॉन्च किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो वो कौन लॉन्च किया डॉक्टर मनसुख मंदाविया ओके डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर इन्होंने लॉन्च किया ओके okay. इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस टू लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कम्पैक्ट यूनिफॉर्म अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म चेंज हुआ अभी रिसेंटली फॉर इट्स पर्सन आर्मी डे आर्मी डे में इसको लॉन्च किया गया है नए टाइप के मॉडल नए टाइप के डिजाइन अभी यूनिफॉर्म में चेंज किया गया है ना तो द न्यू आर्मी कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड है ये जो यूनिफॉर्म कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है

निधन हो गया ये कौन सा देश से बिलोंग करते हैं कौन से देश से है माली ओके इंटरनेशनल बेस्ट क्राफ्ट विलेज बेस्ट क्राफ्ट विलेज इसको मिला है अभी इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड तमिलनाडु आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज तमिलनाडु आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज को मिला है हाउ मेनी स्टार्टअप डिक्लेयर विनर ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड में कितने स्टार्टअप कंपनी को ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में 46 ओके okay, 46 स्टार्टअप को मिला है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड तो क्यों दिया गया है कॉम्बेटिकायलेंस एगेंस्ट चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन के अगेंस्ट में जो तो क्राइम होता है इसको इसको मदद करने के लिए मतलब तो रोकने के लिए जो भी स्टेप लिए गए हैं इसके इसके लिए किनको मिला है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इनको दिया गया है यह अवार्ड स्कॉच अवार्ड इन द सिल्वर कैटेगरी ओके इंडिया पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट रोज बाय डैश परसेंट बिटवीन अप्रैल दिसंबर अप्रैल टू डिसंबर 2021 अकॉर्डिंग टू एसआईएम डाटा एसएम क्या है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ये जो डाटा है ये बढ़ गया है मतलब व्हीकल एक्सपोर्ट पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट परसेंटेज बढ़ गया है तो कितना परसेंट बढ़ गया है फोर्टी सिक्स ओके फोर्टी सिक्स परसेंट हो गया है अभी दुबई ओपन इंफिनिटी ब्रिज विथ एन आर्क शेप लाइक द इन्फिनिटी सिंबल ये क्वेश्चन होने वाला था okay? ये क्वेश्चन होने वाला था मतलब कौन से जगह पे ये इंफिनिटी ब्रिज बनाया गया है दुबई में ओके okay? पर जैसे वालों के ऐसे बनाया गया है ब्रिज ओके ट्वेंटी फोर थाउजेंड व्हीकल पर आवर इन बोथ डिरेक्शन आ जा सकता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड छब्बीस हजार गाड़ी इंडिया ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टाइटल, मतलब पहली बार इंडिया ओपन टाइटल टेनिस में कौन जीता लक्ष्य सेन लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन टाइटल जीता है ये बहुत इंपोर्टेंट है ओके okay? इंडिया में हुआ है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमलाकांत नायक इंडिया पारा एथलेट ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड कवर टू थर्टीन किलोमीटर इन वन डे ऑन मैनुअल व्हील चेयर मैनुअल मतलब व्हील में एक दिन में वो कितने दूर गए टू हंड्रेड थर्टीन किलोमीटर कमलाकांत नायक कवर किए ओके पारा एथलीट है मतलब ओके पारा एथलीट है कमलाकांत नायक वन डे में टू थर्टीन किलोमीटर वो मैनुअल व्हील में गए तो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं कौन से राज्य से हैं ओडिशा से ओके okay? हुजोज द फॉलोइंग कंट्री थ्री नेवी शिप्स आर हैव अराइव्ड आवर अराइव ऑन टुडे गुडविल विजिट टू कोची मतलब तो कोची भेजा है थ्री नेवी शिप ओके थ्री नेवी शिप भेजा है कौन सा देश ने रशिया रशिया ने भेजा है कहाँ पे कोची केरला ओके रशिया भेजा है मतलब तो भेजा था चाइना बिल्ट आर्टिफिशियल मून ये भी एक क्वेश्चन होने वाला था चाइना बिल्ट मतलब तो बनाया है. कौन सा देश चाइनाइंग कंट्री प्रिंस हाज रिटर्न ऑल ऑफ हिज मिलिटरी टाइटल एंड रॉयल पार्ट्रज टू तो मोनाच इन जनवरी 2022 तो कौन सा देश का जो राजकुमार थे वो रिटर्न कर दिया क्या मिलिट्री टाइटल जो भी मिलिट्री टाइटल उनका था और जो भी था उनका पद वो रिटर्न कर दिया तो कौन सा देश का ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम तो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनको रिटर्न कर दिया उनके प्रिंस ने बिरजू महाराज बिरजू महाराज डायड आट एज ऑफ एटी ऑन अन् जनवरी जानुरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ही वाज ए बिरजू महाराज जो उनका देहांत हो गया तो वो कौन से फील्ड से थे एक डांसर थे ओके एक डांसर थे पद्मश्री आवाड़ी शांति देवी डायड आट एज ऑफ एटी एट सी फ्रॉम ये पद्मश्री आवाड़ी शांति देवी उनका बी एक उनका उनका भी देहांत हो गया तो कौन से राज्य से है उड़ीसा से ओके नेक्स्ट दो हजार बाईस हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन हुईज कंट्री दो हजार बाईस हॉकी एशिया कप वोन हॉकी एशिया कप कहाँ पे होगा ओमान में ओके okay? वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है 85 okay? 85 रैंक है एटी फाइव ओके पीपुल पद्म अवार्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू पद्म अवार्ड कितने लोग को मिला है 128 अवार्ड okay? 128 मिला है दो तो हजार बाईस में

सीडीएस जो सीडीएस थे विपिन रावत थे सीडीएस उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पद्म विभूषण पद्म विभूषण अवार्ड में उनको सम्मानित किया जाएगा ओके इंडियन फिल्म हाज ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय फिल्म इंडियन फिल्म हाज वन द बेस्ट फिल्म बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जंगल ओके जंगल फिल्म का नाम है तमिल मूवी है ये ओके ये बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2021 2022 तो टौ। आएगा ओके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार तो सुभाष सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है एजुकेशन के है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सुभाष सरकार इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हु हैज बीन कन्फर्ड विद द आसाम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आसाम वैभव तो आसाम के हाई सिविलियन ऑनर क्या है आसाम वैभव तो आसाम वैभव किनको मिला है रतन टाटा जी रतन टाटा इनको मिला है ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है आसाम के रतन टाटा का जो आसाम के हायर सिविलियन ऑनर मिला है उसका नाम क्या है ऐसा ही पूछ सकता है ओके okay. भाई, भाई। सरकिसना, आज हाँ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री अरम सरकिसना, आज हाँ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ तो कौन से मतलब प्रेसिडेंट थे ये अभी रिजाइन कर दिए हैं अरवंस सरकृष्णा तो ये कौन से देश से थे आर्मेनिया ओके आर्मेनिया देश के हैं ये अभी रिसेंटली रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट की पोस्ट से तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल राष्ट्रीय बल पुरस्कार हाज बीन कन्फर्म अपन हाउ स्टूडेंट हाउ कितने स्टूडेंट को राष्ट्रीय बल पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2022 ट्वेंटी okay? टू ओके ट्वेंटी स्टूडेंट को हुई टीम

तो कौन से प्रोफेशन से थे आर्कियोलॉजिस्ट थे ओके आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट फ्रॉम कहाँ से थे तमिलनाडु से ओके स्टेट एंड यूटी और यूटी लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है कौन सा स्टेट या यूटी जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर ने यह लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स द होलोग्राम स्टेचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाज बीन ऑन बिल्ड एट प्लेस मोदी मोदी ने एक होलोग्राम लॉन्च किया है ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ओके तो यह पे लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति भवन रेड फोर्ट इंडिया गेट में इंडिया म्यूजियम इंडिया गेट में इंडिया गेट में होलोग्राम लॉन्च किया गया है

जो पहला कैपिटल था इसको चेंज करके नया कैपिटल बनाएगा तो वो नया कैपिटल का नाम क्या है नुसंतरा नुसंतरा। उसका नया नाम है। इसरो टेस्टेड हुईच इंजन टू बी यूज फॉर इंडिया फास्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट अंडर गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन जो गोगन यान ह्यूमन स्पेस मिशन है तो एक इंजन को वो टेस्ट किया है ओके तो टेस्ट यूज होगा का किसमें में गगनजान ह्यूमन स्पेस मिशन में तो वो इंजन का नाम क्या है विकास इंजन होगा विकास इंजन हुई सिटी इज द होस्ट ऑफ 2024 समर पैराल दो हजार चौबीस के समर पैरालंपिक के होस्ट कौन है पेरिस और पेरिस ये होस्ट करेगा 2024 समर पैरालंपिक हु इज द ऑथर बुक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये फ्रीडम फाइटर है इनका एक बुक लॉन्च किया है तो कौन इसका ऑथर कौन है तो इन्हें सिन्हा तो इन्हें सिन्हा इनका ऑथर को ऑथर भी है दो ऑथर अंकिता वर्मा ओके द बुक इज रिटन बाय बीजेपी लीडर तू है तू ही है सिन्हा अनकोदर अंकिता बर्मा व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स अभी बोल रहा था समर ओलंपिक 2024 का ये विंटर ओलंपिक्स ओलंपिक्स का होस्ट कौन है ओके चाइना पहले पेरिस था फ्रांस ये चाइना ओके चाइना चाइना 2022 के विंटर ओलंपिक्स का होस्ट है वेन इज द इंटरनेशनल कस्टम डे इंटरनेशनल कस्टम डे कौन से दिन में मनाया जाता है कौन से दिवस में मनाया जाता है जनवरी 26, सिक्स जनवरी ट्वेंटी सिक्स को जिस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाता है ओके टैस हैज बीन गिवन द प्रेस्टिजियस टी ए टी एक्स टू अवार्ड आफ्टर इट्स ट्वेंटी टेन ओके दो हजार दस से ये बढ़ गया है एट्टी एट्टी बढ़ गया है ओके okay. मतलब टाइगर के नंबर मतलब पहले थे तो अभी अस्सी बढ़ गए हैं तो इसलिए इनको मिला है ये अवार्ड कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है ओके okay. वहाँ पे मतलब बनने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इनको मिला है ओके okay. इसको मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व 80 टाइगर वे टाइगर नंबर डबल तू 80 ओके बढ़ गए हैं पहले 40 थे अभी ऐसे 80 है ओके वो जो तो फॉलोइंग स्टेट पुलिस आज भी एक 115 पुलिस मेडल फॉर गैलेंटरी आउट ऑफ़ टोटल 189 अवार्ड दिस ईयर मतलब 189 अवार्ड था गलटेरी आर्ट जो भी थे परमवीर चक्र थे जो भी थे उनमें से 189 से 115 115 पुलिस मेडल अवार्ड कौन से देश सॉरी कौन से राज्य के पुलिस ने जीता है जम्मू कश्मीर ओके okay. जम्मू कश्मीर पुलिस ने 189 से 115 अवार्ड इन्होंने ही जीता है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ओके आज लॉन्च न्यू ऐप नेम डिजिटल पार्लियामेंट डिजिटल पार्लियामेंट एक नई ऐप लॉन्च किया है कौन लॉन्च किया है ये ऑप्शन गलत है ऑप्शन भी नहीं लोकसभा सेक्रेटरी ओके लोकसभा सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज चीफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किन को अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अपन क्या है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनको भी अंबत तो नागेश्वरम भी अनंत तो नागेश्वरम भी अनंत तो नागेश्वरम ओके हुज मेडल आज इंडिया ओन हॉकी ओमेन एशिया कप हॉकी ओमेन एशिया कप में कौन सा मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल ओके ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओमेन्स ओमेन्स टीम इंडिया के हॉकी ओमेन्स टीम ने ओके okay, ओमन सेशिया को में ब्रॉन्ज मेडल जीता है हु वाज रिटेन द बुक द टेन यूएस ट्रिलियन ड्रीम यूएस टी ट्रिलियन ड्रीम ये जो बुक है ये कौन लिखा है मतलब इसका अथर कौन है सुभाष चंद्र गर्ग ओके okay, सुभाष चंद्र गर्ग वन फोर्टी सेवन हु हु हैज़ कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वो सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वोम सिंगल टाइटल कौन जीता है ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वोमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल कौन जीता है राफेल ओके राफेल नडाल ने मेन सिंगल टाइटल जीते हैं वेन शहीद दिवस सेलिब्रेट शहीद दिवस कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है 13 थर्टी जनवरी तीस जनवरी को ये मनाया जाता है भगत सिंह को याद रखने के लिए ये इस दिन थर्टी जनवरी को याद किया जाता है ओके रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट हाउ मेनी विलेज इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस तो ये विलेज कितने गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने के लिए बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वन फिफ्टी ओके गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन हेल्प करेगा इसमें इसराइल ओके okay. इसराइल हेल्प करेगा ओके इसराइल ने इसराइल हेल्प करेगा इंडिया को इंडिया एंड हुई कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट ऑफ थ्री सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर फॉर द सेल ऑफ ब्रमोस मिसाइल इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया बेचेगा ओके थ्री सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर में तो किसके कौन से देश के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है फिलीपींस ओके okay? फिलीपींस केरला लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का ओके वीडियो को कैसा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा अच्छे लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पीडीएफ के लिए ग्रुप ज्वाइन कीजिए आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा ओके okay. और ये एक आना स्पेशल अनाउंसमेंट है इम्पोर्टेंट सेशन आएगा अपकमिंग एक अवार्ड ऑनर का ओके okay. जितने भी पूरा जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी दो टौन्ट तो हजार इक्कीस से सॉरी जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक जितने भी अवार्ड ऑनर इम्पोर्टेंट है पचास साठ सत्तर जितने भी होंगे एक आपको में सेशन आएगा ओके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ये सेशन आएगा तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ओके ऐसे भी एक ब्रांड एम्बेसडर का एक सेशन उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है वो भी आप देख सकते हैं और आज के लिए इतना ही थैंक यू धन्यवाद